नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक के बारे में कि निफ्टी बैंक ने आज किस तरह से ट्रेड किया, किस तरह से मूव हुई और निफ्टी बैंक में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो लोग हमारा फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आइए देखते हैं आज क्या हुआ बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में ये देखिए, आज देखा जाए तो आज एक बहुत शानदार दिन रहा और लोगों ने मतलब बुलिश साइड में जो भी लोग रहे होंगे उन्होंने बहुत ही अच्छे पैसे बनाए होंगे। तो ये देखिए आज जो बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग हुई थी वो हुई थी, गैप अप ओपन हुआ था, 24,367 की ओपनिंग हुई थी। हाई जो लगा है आज का वो लगा है 25,138 का, जो लो लगा है वो लगा है 24,128 का और क्लोजिंग इसकी हुई है 24,853 पर। तो कहा जा सकता है कि बैंक निफ्टी में जो है आज एक बहुत ही अच्छा बुलिश मोड था और मैंने कंटिन्यू जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोगों को काफी ट्रेड दिए। आज मैंने नियर अबाउट 9 ट्रेड किए और 9 के 9 ट्रेड जो है मतलब सभी ट्रेड में हमने पैसा बनाया, 9 के 9 ट्रेड में पैसा बनाया। एक ट्रेड में कम बना, छोटा प्रॉफिट लिया, बट मतलब जो 6 ट्रेड के बाद वैसे मैंने अपनी ट्रेडिंग बंद कर दी थी, बट उसके बाद मार्केट की मूव को देखते हुए मैंने 3 ट्रेड और एग्जीक्यूट किए और अपने क्लाइंट्स को भी दिए और इन 3 ट्रेड में तो उन 6 ट्रेड से भी ज्यादा पैसा उन 3 ट्रेड ने बना कर दिया। तो चलिए, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल, वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको मैं टाइम टू टाइम अपडेट करते रहता हूं, टाइम में वहां बताते रहता हूं कि कौन सा चार्ट बन रहा है, अभी ब्रेकआउट किस तरफ हो सकता है, हमको अभी कौन सी कॉल लेनी चाहिए या फिर मैं अभी कौन सी कॉल लेने जा रहा हूं, मैं वो सब चीजें आपको अपडेट करता रहता हूं। तो वहां पर आज मैंने आपको नियर अबाउट 6 ट्रेड अपडेट किए थे, अगर आपने उन ट्रेड को फॉलो किया होगा तो शायद बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा। तो चलिए देखते हैं, हम इसको सबसे पहले इसको 5 मिनट के चार्ट में हम इसको कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ। तो यहां पर देखिए, एक यहां पर मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई थी, गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहां पर मार्केट ने कुछ टाइम तक जो है सस्टेन किया और यहां पर फाइनली एक सपोर्ट ले लिया। ये लेवल था 24,150 और 60 का ये लेवल था और फाइनली मैंने यहां पर भी आपको टेलीग्राम चैनल में बता दिया था कि अगर यहां से सपोर्ट लेता है तो ऊपर की तरफ, नहीं तो ये गैप फिल करने के नीचे आ सकता है। फाइनली मार्केट ने यहां पर सपोर्ट ले लिया 24,150 के लेवल पर और मार्केट ने यहां से ऊपर निकलना चालू कर दिया। यहां पर जो है हमने अपना पहला ट्रेड बना लिया था और उसके बाद देखिए मार्केट किस तरह से आज मूव हुई है, मैं आपको दिखाते जाता हूं, पैटर्न बनाकर दिखाते जाता हूं। मार्केट ने जो है कंटिन्यू एक रेंज बनाती गई है, रेंज बनाने के बाद जो है मूव हुई है। ये देखिए, अब मैंने यहां पर एक पैटर्न यहां पर बना दिया, देखिए यहां पर एक रेंज बनी, इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कितनी अच्छी मूव बनी और जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, इस ब्रेकआउट होने के बाद जो है आप देख सकते हैं ऊपर के लेवल पर भी एक रेंज बनी। यहां देखिए, अब ये देखिए अब क्या हो रहा है यहां पर, आप जो अगर आपने मार्केट में अगर आपको रेंज ब्रेकआउट की ट्रेडिंग करनी आती होगी तो आपने आज शायद बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे। अब देखिए क्या हो रहा है यहां पर, यहां पर जो है मार्केट जो है 2 घंटे तक कंटिन्यू इस रेंज के अंदर इस मार्केट ने ट्रेडिंग की है बैंक निफ्टी ने। फाइनली जब इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद यहां से 23,370 के लेवल पर ब्रेकआउट हुआ और जो है इसका फिर हाई लगा 23,590 का, तो यहां पे 200-250 पॉइंट यहां पर जो है इसका ब्रेकआउट होने के बाद मूव मिली और यहां पर जाने के बाद फिर देखिए मार्केट एक रेंज में आ गई थी। अगर मैं आपको एक छोटा सा और रेंज बना के दिखाऊं तो ये देखिए यहां मार्केट फिर रेंज में यहां पर आ चुकी थी और फाइनली जब इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, ये देखिए मैं थोड़ा चार्ट बड़ा कर देता हूं, इस रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने फिर जो है आप देख सकते हैं कि नियर अबाउट 125-130 पॉइंट का जो है फिर मूव दिया और फाइनली जब इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो इस आपने देखा मार्केट में 24,720 का लेवल जब यहां पर ब्रेक हुआ था तो सीधा देखिए जाकर मार्केट कहां रुकी, 24,140 का इसने जो है हाई दिखाया। तो यहां पर जो है आज रेंज ब्रेकआउट का दिन था, तो जिसने भी रेंज ब्रेकआउट की ट्रेडिंग की होगी उन्होंने अच्छा पैसा बनाया होगा और फाइनली जो है मैं देखिए कंटिन्यू टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को पोस्ट कर रहा था, जो भी चार्ट जिस टाइम पर फॉर्म हो रहा था वो सारे चार्ट पैटर्न मैं बना के आपको सेंड कर रहा था और मैं ये भी बता रहा था कि मैं अभी कौन सी कॉल लेने जा रहा हूं, अगर आपने भी शायद उन कॉल में ट्रेड किया होगा तो शायद एक अच्छा बेनिफिट लिया होगा। तो चलिए अब देखते हैं, हम इसको वन डे का चार्ट कर लेते हैं, पहले मैं ये सारे डिलीट कर देता हूं और उसके बाद ये तो मैंने को समझाने के लिए बताया था कि रेंज ब्रेकआउट किस तरह से काम करता है। फाइनली अगर फ्यूचर में कभी भी आपको इस तरह का रेंज ब्रेकआउट अगर आपको मार्केट में देखने को मिले तो आप इस तरह से जरूर पैसे बनाइए। अब देखिए मैं इसको वन डे का चार्ट कर देता हूं, अब वन डे का चार्ट में ये देखिए मार्केट, अब जो बैंक निफ्टी है वो बिल्कुल रेजिस्टेंस पर है, ये जो देखिए एक हाई लगा हुआ है 31 अगस्त का हाई जो लगा था वो लगा था 25,232 का और जो मार्केट ने आज हाई लगाया है वो लगाया है 25,138 का, मीन्स अभी भी 100
पॉइंट्स की मतलब रेंज है, मतलब ऊपर जाने के लिए। बट अभी देखिए हमको कल के सेशन में क्या करना है ये हम बात करेंगे, ठीक है। तो वो तो अभी बहुत दूर की बात है कि मतलब ऊपर कितना जाती है कितना नहीं। अब यहां पर देखिए क्या करना है हमने, अगर यहां पर मैं इसको अब ये आपको दिखाने के लिए मैंने वन डे का चार्ट किया था कि मार्केट अभी पूरी अभी रेजिस्टेंस पर है, ठीक है ना। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे कि आपको यहां पर एक डबल टॉप पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, और आपको पता होगा कि डबल टॉप पैटर्न के बाद मार्केट यहां पर या तो कुछ दिनों के लिए साइडवेज होगी, या फिर अगर मार्केट में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होगी बैंक निफ्टी में तो ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलेगी। अब मैं इसको फाइनली 15 मिनट का चार्ट लगा देता हूं और हम कल की एनालिसिस करते हैं। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, अब यहां पर देखिए हमारे लिए एक लेवल हम ड्रॉ कर लेते हैं, वो लेवल हम ये ड्रॉ करते हैं, ये देखिए जहां से मार्केट ने आज सपोर्ट लिया है ये लेवल हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये देखिए ये लेवल अब हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमने यहां पर ये देखना है कि मार्केट अगर यहां पर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद यहां पर अगर आपको कोई हैमर कैंडल दिखी है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कुछ दिखे, तो फाइनली आप वहां पर, या फिर यहां पर मार्केट ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए यहां पर रेंज में आ जाए, दो घंटे के लिए, तीन घंटे के लिए स्टार्टिंग के पीरियड में रेंज में आ जाए, तो आज आपने फिर उसी रेंज ब्रेकआउट की तरह ट्रेडिंग करनी है। ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ऊपर के लिए निकलना है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो नीचे के लिए निकलना है। अब देखिए ये तो थी हमारी फर्स्ट कंडीशन कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है। अब अगर ये, अब मैं दूसरी कंडीशन आपको बताने जा रहा हूं, अगर मार्केट यहां से गैप अप ओपन हो जाती है, मींस अभी 24,845 का लेवल पर है और यहां से मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, मींस 200-300 पॉइंट गैप अप हो जाती है और आपको यहां पर 25,150 या 25,200 के लेवल पर मिलती है, तो आप वहां पर क्लियर कट सेल कर सकते हैं वहां पर, क्योंकि देखिए डेली चार्ट में जो है डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है, सो इसलिए हम जो है मतलब मैं सेल करने के लिए कह रहा हूं। और नेक्स्ट देखिए, अब देखिए मैंने पहला पार्ट आपको समझा दिया कि अगर मार्केट यहां पर फ्लैट ओपन होती है तो आपको किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, और दूसरा बता दिया कि अगर मार्केट यहां पर गैप अप ओपन होती है 25,100 25,200 के आसपास मिलती है तो आप वहां पर सेल कर सकते हैं। अब तीसरी कंडीशन क्या है, मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। गैप डाउन ओपनिंग में देखिए अब आपके पास सपोर्ट कहां पर है, हमने यहां पर सपोर्ट निकालना है, ठीक है। तो हमारा अभी अभी जो कल का जो सपोर्ट होगा वो कल का सपोर्ट ये देखिए, ये जो आज की ओपनिंग थी इसको हम एज ए सपोर्ट लेकर चल सकते हैं। तो मान लीजिए मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, कोई मार्केट में कोई बैड न्यूज आ जाती है, अगर मार्केट आपको बैंक निफ्टी आपको यहां पर इसके आसपास मिलती है 24,150 24,200 के लेवल पर, तो आपने जो है मतलब यहां से आप जो है यहां से बाइंग कर सकते हैं। आपने एक चीज ध्यान रखनी है, अगर मार्केट यहां कहीं इन दोनों के बीच में अगर कहीं ओपन होती है तो आपने वहां पर कुछ नहीं करना है, पेशेंस बना के रखना है, ठीक है ना। आपने सिर्फ अपने लेवल पर ट्रेडिंग करनी है। मान लीजिए मार्केट यहां पर ओपन हो गई और मार्केट ने नीचे आना चालू कर दिया तो आपने सेल नहीं करना है, उसको नीचे आने दीजिए, ठीक है। उसको नीचे आने दीजिए, जब आपको इस सपोर्ट लेवल पर मिलता है 24,150 के नियर अबाउट और यहां पर कोई बुलिश कोई आपको कंफर्मेशन मिलती है तो आप यहां से बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। और मार्केट मान लीजिए यहां से बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है और आपको 25,150 25,200 के लेवल पर मिलती है तो वहां पर भी जो आपने तुरंत जो है सेलिंग नहीं करनी है। ऐसा भी हो सकता है कि जो डबल टॉप पैटर्न है इसका ब्रेकआउट भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने मतलब इतनी जल्दी मतलब सेलिंग नहीं करनी है, वहां पर एक कन्फर्मेशन की वेट करनी है, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है टाइम टू टाइम मैं अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम चैनल को मेरे बहुत ध्यान से देखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा पैसा बनाते होंगे, क्योंकि अगर इस तरह की जिस तरह के चार्ट मैं आपको पोस्ट करके देता हूं शायद ऐसे चार्ट कोई भी आपको किसी भी चैनल पर आपको नहीं मिलेंगे। सो जो है आप टेलीग्राम चैनल को बड़े ध्यान से देखा करिए, वहां पे जो मैं लेवल देता हूं उसको भी आप ध्यानपूर्वक देखा करिए। तो ये हमारा कल का ट्रेडिंग प्लान रहेगा। अब मैं इसको देखिए एक घंटे का चार्ट मैं यहां पर कर देता हूं, और एक घंटे के चार्ट में अगर हम यहां पर देखें तो ये देखिए एक जो है शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है, ठीक है ना। फर्स्ट तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर डबल टॉप पैटर्न देखिए, फर्स्ट जो है टॉप ये बना हुआ है और सेकंड टॉप ये जो है आज बन गया है, तो फर्स्ट टॉप ये बना हुआ है और मार्केट अभी बैंक निफ्टी कभी भी आपको यहां पर ऊपर के लेवल पर मिल रही है तो आप यहां पर क्लियर कट सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने ट्रेडिंग करनी है। अब देखिए मैंने आपको वन आवर का चार्ट मैंने इसलिए खोल के दिखाया है कि अगर यहां फ्लैट ओपनिंग होती है, मार्केट बैंक निफ्टी बिल्कुल अभी सपोर्ट पर खड़ा है। देखिए ये जो पिछला रेजिस्टेंस था, ये देखिए ये जो पिछला रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने बैंक निफ्टी ने फाइनली आज क्रॉस किया है और सपोर्ट पर ही इस टाइम ट्रेडिंग कर रहा है। तो फ्लैट ओपन होने के बाद जो है आप यहां पर कुछ कंफर्मेशन के साथ बाइंग की तरफ जा सकते हैं।
तो यहाँ पर 25,850 के पास आपको मिले, तो आपका जो पहला टारगेट जो होगा वो 25,000 होगा, और दूसरा टारगेट होगा 25,100, और तीसरा टारगेट होगा 25,200। तो इन टारगेट को, इन लेवल को जरूर अपने जहन में रखिए, अपने ध्यान में रखिए और लेवल्स पर ट्रेडिंग करिए। देखिए मार्केट से पैसा बनाने कोई मुश्किल नहीं है। आज हमने 9 ट्रेड किए और 9 के 9 ट्रेड में पैसा बनाए। लकीली जो है फाइनली जो हमने 6 ट्रेड के बाद जो लास्ट के हम जो 3 ट्रेड किए, वो 3 ट्रेड तो मैं अगर आपको बताऊं तो समझ लीजिए हमारे पूरी वीकली का जो पूरा वीक हम ट्रेडिंग करके बनाते हैं, उन 3 ट्रेड ने जो है बहुत अच्छा पैसा दे दिया है। फाइनली आज जो है हमारे क्लाइंट्स ने भी बहुत अच्छा पैसा बनाया है। तो अगर आपने अभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। वहां पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। देखिए मैं स्टॉक्स वगैरह की जो है बहुत कम अपडेट देता हूं, एक दो पोस्ट मैं स्टॉक के वगैरह के डाल दूंगा, बिकॉज देखिए मैं एक ऑप्शन ट्रेडर हूं, ऑप्शन बायर हूं और ऑप्शन सेलर हूं। मैं ऑप्शन राइटिंग करता हूं एक्सपायरी वाले दिन, और बाकी दिन मैं ऑप्शन बाइंग की तरफ मैं ध्यान देता हूं। सो अगर आपको भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है तो आप जो है हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9878137600 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंक्वायरी आप कर सकते हैं कि पैकेज वगैरह के बारे में। दूसरा, अगर आपको भी मेरे पर्सनल ट्रेड, जो ट्रेड मैं खुद ट्रेड करता हूं और वही ट्रेड मैं जो है अगर आपको भी चाहिए तो आप जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप एंजल ब्रोकिंग में या अलायंस ब्लू में अकाउंट ओपन करिए। अकाउंट ओपन करने के बाद जो है आपको वो कॉल, उस अकाउंट में आपको कंटिन्यू ट्रेडिंग करनी है। ऐसा करने के बाद आपको जो कॉल मैं अभी ट्रेड कर रहा हूं, सेम कॉल आपको भी मैं दिया करूंगा ट्रेडिंग करने के लिए, और विद लेवल आपको पूरे प्रॉपर लेवल के साथ वो ट्रेड मिला करेंगे। जो आप प्रीमियम सर्विस लेते हैं 10,000-15,000 पे देकर, वो सर्विस आपको यहां पर बिल्कुल फ्री मिलने वाली है और आप यहां पर कंसिस्टेंटली पैसा यहां पर बनाने वाले हैं। सो अकाउंट ओपन करिए और मेरे साथ ट्रेड करिए, ठीक है? ओके। अगर और मैं कहना चाहूंगा, अगर मतलब आपको कंटिन्यू अपडेट चाहिए हमारे बैंक निफ्टी की वीडियो के बारे में, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहां पर डेली आपको बैंक निफ्टी की वीडियो यहां पर मिला करेगी, लेवल्स वगैरह के बारे में आपको पता लगा करेंगे, तो आप जो है मतलब कल की जो है तैयारी कर सकते हैं। चलिए आइए हम स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी में जो स्टॉक ट्रेड करते हैं। सबसे पहले तो मैं आज अभी आपको बता दूं कि जो HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक और कोटक बैंक के सहारे जो है बैंक निफ्टी ने आज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, क्योंकि इन चारों स्टॉक्स में बहुत अच्छी मूव थी। तो चलिए एक्सिस बैंक देख लेते हैं। एक्सिस बैंक, ये देखिए कितना अच्छा मूव हुआ है एक्सिस बैंक में, और फाइनली एक्सिस बैंक में अगर आप देखें तो सेम बैंक निफ्टी को फॉलो कर रहा है, और यहां पर भी डबल टॉप पैटर्न यहां पर देखिए बना हुआ है, सेम यहां पर भी डबल टॉप पैटर्न यहां पर बनकर तैयार है। तो यहां पर भी मतलब आने वाले कुछ दिनों में जो है यहां पर मार्केट साइडवेज जा सकती है या फिर नीचे की तरफ आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बैंक निफ्टी में भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज बहुत अच्छी मूव हो चुकी है, सो कल प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि मार्केट ओपन होते ही आप बाइंग साइड को निकल जाइएगा, ऐसा नहीं करना है, कन्फर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेना है। नेक्स्ट है बंधन बैंक। बंधन बैंक भी देखिए यहां पर जो रेजिस्टेंस था वहां से सपोर्ट लेने के बाद जो ऊपर की तरफ निकला, ये मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। ये देखिए एक सपोर्ट था, इस सपोर्ट लेवल पर फाइनली देखिए इसने एक हैमर कैंडल बनाया, और कल की जो है फ्राइडे को इसने जो है सस्टेन किया और फाइनली आज जो है ऊपर की तरफ निकल गया। नेक्स्ट है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी देखिए ब्रेकआउट दिया आज बैंक, अभी ये भी जो है देखिए रेजिस्टेंस लेवल पर है। अगर आप इस चार्ट पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पर एक ट्रिपल टॉप दिखाई देगा, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप एंड थर्ड टॉप। तो मतलब नियर अबाउट स्टॉक्स, जितने भी स्टॉक है वो नियर अबाउट सारे एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, डबल टॉप पैटर्न और ट्रिपल टॉप पैटर्न। नेक्स्ट है हमारा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में अभी अपना कोई व्यू नहीं है। नेक्स्ट है हमारा HDFC बैंक। HDFC बैंक ने देखिए यहां पर आज कितनी अच्छी मूव दी है, क्योंकि यहां पर भी देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर भी एक ट्रिपल टॉप पैटर्न यहां पर बन रहा था। देखिए फर्स्ट बॉटम ये हो गया, दूसरा बॉटम ये हो गया, तीसरा बॉटम ये हो गया, और फाइनली देखिए ट्रिपल बॉटम पर आकर जो है इसने बाउंस बैक किया, और बहुत अच्छी मूव जो है बैंक निफ्टी में हुई। देखिए HDFC बैंक का वेटेज जो है, HDFC बैंक का वेटेज सबसे ज्यादा है बैंक निफ्टी में। सो अगर HDFC बैंक चलेगा, HDFC बैंक के साथ ICICI बैंक चल जाए या कोटक बैंक कोई भी चल जाए, तो बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छे मूव की संभावना होती है। नेक्स्ट है हमारा ICICI बैंक। तो ICICI बैंक देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी आज गैप अप ओपनिंग हुई थी, और गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये सारा दिन मार्केट जो है ICICI बैंक ऊपर की तरफ ही रहा, और फाइनली जो है क्लोजिंग के टाइम में यहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई। नेक्स्ट है हमारा IDFC बैंक, इसमें मेरा कोई व्यू नहीं है। नेक्स्ट है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में भी देखिए आज कितनी अच्छी मूव हुई है,
ये देखिए कितनी अच्छी यहां पर मूव हुई है, इसकी जो वो 588 से लेकर के ये देखिए 635 तक, तो यहां पर हम कह सकते हैं नियर अबाउट 50 पॉइंट्स के नियर अबाउट जो है यहां पर मूव हुई है। तो 50 पॉइंट्स की मूविंग बहुत अच्छा मूव हो जाता है। इंडसइंड बैंक का कोई बड़ा वेटेज नहीं है बैंक निफ्टी में, बट इसने आज अपना योगदान जरूर डाला है। नेक्स्ट है हमारा कोटक बैंक। देखिए कोटक बैंक अभी बहुत अच्छे लेवल पर खड़ा है। अभी मैं आपको यहां पर बता दूं, मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया भी था, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है या इंट्राडे के लिए भी, ये 1605 के ऊपर क्लोजिंग जैसे आती है कोटक बैंक की, आप इसको इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी लेकर जा सकते हैं। तो देखिए ये जो है 27 अक्टूबर को इसका जो हाई लगा था कोटक बैंक का 1602 रुपए का था, और आज जो है 1604 पे 80 पैसे का हाई लगा है। तो एक बार इसको 1605 के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो लेने दीजिए, उसके बाद आप इसमें जो है इंट्राडे का ट्रेड भी बना सकते हैं। इसको आप अपने रडार पर रखिएगा कोटक बैंक को, क्योंकि कोटक बैंक में जो है कल एक दोबारा एक अच्छी मूव हो सकती है 1605 की क्लोजिंग के बाद। लेवल ध्यान रखिए, लेवल 1605 है, विदाउट लेवल ट्रेड मत करिए। विदाउट लेवल ट्रेड करेंगे तो आप जो है प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, आप जो अपना मनी लूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक में ट्रेड नहीं करता हूं, सो यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो डबल बॉटम पैटर्न यहां पर बन रहा है। एक फर्स्ट बॉटम यहां पर बना हुआ है, सेकंड बॉटम ये है, तो फाइनली देखिए जो है सेकंड बॉटम से यहां पर बाउंस बैक हुआ है और बहुत अच्छा यहां पर बाउंस बैक है। और ये देखिए अगर यहां से अगर कल इसको ब्रेक करता है, 28 का लेवल ब्रेक करता है, तो हमारा अगला टारगेट इसमें होगा 29.60 रुपए और 30 रुपए कल की टारगेट। नेक्स्ट है हमारा आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक में अभी कोई व्यू नहीं है, बट यहां पर देखिए अगर आप देखेंगे तो यहां एक ट्रेंड लाइन जो है वर्क कर रही है। ट्रेंड लाइन पे ही कंटिन्यू सपोर्ट ले रहे, देखिए फर्स्ट सपोर्ट यहां पर लिया, सेकंड सपोर्ट आज लेकर बाउंस बैक कर गया है। आरबीएल बैंक में हम देखेंगे 190 की क्लोजिंग के बाद, 190 की क्लोजिंग के बाद हमारा जो टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा 215 का। नेक्स्ट है हमारा एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक भी देखिए यहां पर जो है कल जब एक डोजी कैंडल यहां पर फ्राइडे को फॉर्म हुई थी, तो मुझे मतलब ऐसा था कि 192 के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो यहां पे 3 या 4 रुपए की मूवमेंट होने वाली है। और सेम जो है देखिए आज इसका जो हाई लगा है वो 197 का लगा है। कल हम इसको देखेंगे 198 के ऊपर, इसमें हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 200 और दूसरा टारगेट रहेगा 204, तो इसी का ध्यान रखिएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो पसंद ना आए तो वीडियो डिसलाइक करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।